डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम टैली में आपको अनकलेक्टेड चेक और डायरेक्ट डिपॉजिट, अगर बैंक में डायरेक्ट किसी ने पैसे जमा करा दिए तो उसको अकाउंट फॉर कैसे करेंगे अपने अकाउंट में। अब थोड़ा सा पहले एक्सेल पे देख लें, ये हमारी कैश बुक है, यानी कि ये हमारा कैपिटल था, ये कैपिटल से पैसे हमने 1540 चेक नंबर है, ये चेक नंबर है हमारे, ये हमने कैपिटल, जिसने भी मेरी वीडियो देखी हुई है जो काम सीखा हुआ है वो समझ जाएगा। और ये रिसिट साइड है, रिसिट साइड का ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड से होता है और पेमेंट साइड का ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से होता है। तो हम सिर्फ आज इस पे काम कर रहे हैं क्रेडिट यानी कि रिसिप्ट साइड के ऊपर। तो अब रिसिप्ट साइड पे हमें क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि हम इसको टाली में पोस्टिंग करते हैं इसकी। वाउचर पे गए और यहाँ पे हमने रिसिट रिसिट और यहाँ लिखा आपने बैंक, ठीक है, इसको इंटर किया और यहाँ पे लिखा आपने कैपिटल, अपने इसको इंटर किया और 9 लाख रुपए हैं इधर और ये इसका जो है चेक नंबर है 1540 और ये आपने इसको सेव करा दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा बैंक और इसको इंटर किया और उसके बाद लिखा आपने सेल और सेल को आपने इंटर किया। इसका अमाउंट अब यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, इसका अमाउंट सेल क्या है जनाब, 100 चेक नंबर 123 और 8400, तो आपने 8400 इसको इंटर किया और चेक नंबर है इसका 123, ये आपने जो है इसको सेव करा दिया। फिर उसके बाद आपने बैंक लिख के इसको इंटर किया, नीचे आए फिर सेल और सेल में आपने इंटर किया यहाँ पे और आपका दूसरा चेक से जनाब 456 और 6500, तो आपने जो है यहाँ पे 6500 और इसको आपने यहाँ पे चेक नंबर ये रहा 456, आपने यहाँ पे 456 लिखा और इसको जो है आपने सेव करा दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है आपने फिर लिखा बैंक और फिर आपने लिखा सेल, आपकी फिर एंट्री हुई और एंट्री में आपका अमाउंट है जनाब अब है ये 2500, आपने यहाँ पे 2500 लिखा, इंटर किया और इसका चेक नंबर, इसका जनाब चेक नंबर है आपका 789 आपने जो है 789 आपने ये लिख दिया, इसको आपने सेव करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आए आप, आपके पास फिर सेल की एंट्री है, ये 1800 है, आपने यहाँ लिखा बैंक और फिर लिखा सेल और 1800 और इसका चेक नंबर क्या है, इसका चेक नंबर है 693, आपने जो है ये सेव करा दिया। फिर आपने लिखा यहाँ पे बैंक और इंटर किया सेल और उसके बाद क्या है आपके पास 9000 रुपये हैं, 9000 रुपये आपने यहाँ लिखा, इंटर किया और इसके चेक नंबर क्या है, 9000 का चेक नंबर है 4512 और आपने इसको सेव करा दिया। फिर उसके बाद आपके पास है ये 12000, यहाँ है आप और एंट्री करी बैंक में सेल और 12000 इंटर किया आपने और इसका चेक नंबर 4578 इसको आपने उसमें सेव करा दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 1400 रुपये है, आप यहाँ आपने लिखा बैंक, इंटर किया सेल और कितना अमाउंट है 1400 और 1236, 1400 इंटर और 1236 चेक नंबर आ गया इसका। फिर उसके बाद फिर आपके पास 1700 है, आप यहाँ पे आए और आपने लिखा बैंक और सेल और 1700 इंटर किया और चेक नंबर इसका 2547
47, ये आपने जो है यहाँ पे सेव करा दिया। फिर उसके बाद है आपका 2900, और आपने यहाँ लिखा बैंक, और यहाँ पे लिखा आपने सेल 2900, और 2900 के बाद आपने यहाँ लिखा है इसका चेक नंबर 362, और ये आपने सेव करा दिया। अच्छा, अब एक चीज़ आपको देखना होगी बैंक स्टेटमेंट में, ये देखें, ये एक तो ये हो गया तरीकेकार। अब हमें देखना ये है कि ये एंट्रियाँ भी आई हुई हैं, ये बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है, यानी किसी ने डायरेक्ट जमा करा दिया 6000, 10000, 15000। तो अब जब हम इसकी बैंक रिकंसिलेशन करने बैठते हैं, जब हम यहाँ आएंगे और इसको स्केप करके बैंकिंग में जाएंगे और यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन पे और इसको इंटर कर दें, अब देखें ये तो तमाम चेक्स आ गए। आप ये देखें, ये देखें तमाम चेक्स आ रहे हैं, ये तमाम चेक्स, ये हमने जो पेमेंट जो भी हमारे रिसिप्ट आई थी वो हमने यहाँ लिखी थी, ये आ रहे हैं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ये तीन अमाउंट नजर नहीं आ रहे। तो जब आप बैंक रिकंसिलेशन करने बैठे तो ये याद रखिएगा कि जो बैंक स्टेटमेंट में आ जाए उसको अकाउंट फॉर करना है, आपको अपनी कैशबुक पे लेना है ये 31 तारीख। तो जिस तारीख को करेंगे उसमें हम 31 तारीख को अपनी कैशबुक में लेते हैं, और ये सेल के अमाउंट होगा तो हम वापस देखें, अभी यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है ये, तो अब इसको हम जो है ना यहाँ पे, और हमें ये भी नहीं मालूम कि, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस यहाँ वाउचर पे आएंगे और यहाँ रिसिट में आए, इधर लिखा आपने बैंक, इसको इंटर किया और सेल, और सेल करके इसका अमाउंट जो है हम लिखते हैं, पहला है 6000, 10000, 15000, 600, और ये इसको आपने सेव करा दिया, ये सेव हो गया। फिर उसके बाद आपने लिखा यहाँ बैंक, और फिर यहाँ पे आए सेल, और फिर आपने 10000 रुपये, ये देखें ये रहे 10000 रुपये, ये रहे 10000 रुपये, और फिर उसके बाद 15000 ये रहे। तो फिर यहाँ पे आए आपने 10000 रुपये लिखा, इसको इंटर किया, अब इसके चेक वगैरह पता नहीं किसने कैश जमा करा दिया हमारे पास, तो ये हमने सेव कर लिया। फिर आपने बैंक लिखा, और फिर आपने सेल लिखा यहाँ पे, और 15000 रुपये भी थे आपने देखे, और फिर इसको भी हमने सेव करा दिया यहाँ पे, ये सेफ हो गया। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपको जहाँ से भी ये पैसे आ जाएं, आपको अपनी कैशबुक पे लिखना लाजमी, कहीं से भी पैसे आए कैशबुक में। अब जब हम इसकी बैंक रिकंसिलेशन करने बैठेंगे तो आप देखिए ये यहाँ पे शो होगा, इधर हमने किया और इसको बैंक रिकंसिलेशन पे गए, इंटर करेंगे इसको, अब देखिए ये यहाँ नीचे ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, और ये शो हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया मामला। अब बैंक रिकंसिलेशन करते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे पहला चेक हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में एक तो ये चेक ये 1540 और 123, तो यहाँ पे आए और 1540 ये है, इसमें डेट डाल दें 1/4/23, और फिर इसमें भी देखिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे ये 65000 का भी ये अमाउंट जो है आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, जब इधर आप डालेंगे यहाँ पे, आप जब डालेंगे इसको क्लियर करेंगे यहाँ पे ये कम हो जाएगा फिर, ठीक है। देख यहाँ पे आपने फिर लिखा 1/4/23, ये देखिए अब 57000 रह गया, ये क्लियर हो गए। अब बैंक स्टेटमेंट में फिर देखें, अब 789 है, ये भी क्लियर हो गया है, ये हमने जमा कराया 789, अब 789 ये है, ये 789 यहाँ पे आपने लिख दिया 1/4/23, देखिए और कम 55000 रह गया। फिर उसके बाद आपने फिर 45/12 आपने 45/12 ये है, और यहाँ पे भी 1/4/23 यहाँ पे डेट तो वो आएगी, यानी डेट आनी चाहिए यहाँ पे, कौन सी ये डेट आना चाहिए, इस डेट पे क्लियर हुए हैं, लेकिन टाली जो है और डेट उठा रहा नहीं है, तो यही आपको डालना पड़ेगी फिर फिलहाल। अब उसके बाद आखिरी में रह गया 1236 1400 रुपये का है, ये 1236 ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने 1/4/23 ये भी क्लियर हो गया। अब ये तमाम क्लियर हो गए, ठीक है। अब आपको जो है बैंक रिकंसिलेशन करनी है, तो अब आप देखें आपके पास ये जो इसका कैश बैलेंस है, यानी कि
हम जाते ये कहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे जो इसका कैश बैलेंस याद रख लीजिएगा 965। इसको हम एक मिनट इसको सेव करा दिया मैंने ये। और अब जो है आप इसको अब देखिए, ये जो हमारा वाउचर है, वाउचर में हम अब इसका आपको देखना है कि कैश कितना है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पे बी लिख के नीचे आएंगे तो ये देख रहे हैं 965965950, तो आप बैंक रिकन्सलेशन में तो या तो यहाँ से ये आपका बैंक रिकन्सलेशन यहाँ पर इसका ये आ जाएगा बैलेंस 965950950। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद एड एंड प्रेजेंट चेक नहीं आएगा, इधर आ जाएगा आपका लेस लेस अनकलेक्टेड अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक। अब अनकलेक्टेड चेक कौन से जनाब आपके, यहाँ पे आए वापिस और यहाँ पे बैंकिंग पे जाएं और बैंक रिकन्सिलेशन पे जाएं, इसको एंटर करें। अब देखिए ये हैं आपके कौन से हैं जिन पे, एक तो ये है आपका, ये देखें ये इधर वो तो क्लियर हो गया था आपका ना वो। अब ये देखें, ये आपका यहाँ पे मैंने 465 ये क्लियर हो गए हैं आपके 44,650, यानी कि जो जो क्लियर हो गया था वो नहीं। अब ये क्लियर नहीं हुए ना तो ये आपके लेस अनकलेक्टेड में आ जाएंगे। ये कितना है 650, ये 650 तो आपने यहाँ पे लिख दिया 650, ठीक हो गया। फिर आपने देखा यहाँ पे कितना है 1800, फिर ये 1800 आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। फिर आपके पास और 1800 के बाद फिर आपका ये तीसरा है 12,000, यानी कि ये अभी तक इस पैसे आए नहीं है 12,000, तो आपने यहाँ पे 12,000 भी अनकरेक्टेड चेक में आ जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुए। फिर 12,000 के बाद जो है फिर 1700, तो आपने जो है 1700 लिख दिया। फिर उसके बाद जो है 1700 के बाद है फिर आपका 2900, तो आपने जो है 2900 लिख दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब देखिए जब हम बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं तो अगर अगर हमारे पास होता है क्या कहते हैं अनप्रेजेंट चेक होता है तो हम लिखते बैलेंस एज पर कैश बुक लेस अनप्रेजेंट चेक, एड अनप्रेजेंट चेक, लेकिन अनप्रेजेंट चेक है नहीं, अभी सिचुएशन है लेस अनकलेक्टेड चेक। तो आप ये क्या करेंगे, इन तमाम को आपने प्लस किया, इन तमाम को, और आपने यहां लिख दिया। अब आपने क्या किया कि यहां पे प्लस ये और माइनस ये, तो आप देखिए 946 ये और ये देखिए बैंक का बैलेंस ये बराबर आ रहा है 94, ये यानी कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, ये कैशबुक का बैलेंस है आपका, के ये आपका बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट किया गया है और ये आपका कैश बुक का बैलेंस है जो कि ये वाला है, देखें ये 965950, ये देख लें आप इधर 965, ये देखें 965950। और डियर स्टूडेंट अगर ये समझ में नहीं आया हो तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।